सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस, आज की अपनी पहली अपडेट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने राहुल फिटनेस भाई के बारे में। तो राहुल फिटनेस भाई की साइड से गाइस उनकी जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट है वो गाइस मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आखिरकार प्रेजेंट टाइम में अपने जो राहुल फिटनेस भाई हैं वो कैसे दिख रहे हैं। हालांकि गाइस अभी आप लोग को साइज जो है वो गाइस इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे और ऑल्सो गाइस जो उनकी मसल क्वालिटी है वो भी गाइस अभी आप लोग को इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। एंड यहाँ पे आप लोग को जो उनकी बैक है उसमें भी थिकनेस ऐड होती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली गाइस राहुल फिटनेस भाई ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। एंड जब गाइस वो ऑन स्टेज आएंगे एंड किस शो के अंदर कॉम्पीट करते हैं, लेट्स सी गाइस कैसा पैकेज लेके आएंगे, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट नाउ अब बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो लवप्रीत सिंह भाई की साइड से गाइस उनकी जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट है जो गाइस उन्होंने रिसेंट में शेयर करी थी वो गाइस मैं आप सभी लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि आखिरकार अपने जो लवप्रीत सिंह भाई है वो कैसे दिख रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आप लोग उनके एब्डोमेन एरिया पे जाओगे ना तो लिटरली कितना ज्यादा क्रंची, कितना ज्यादा हार्ड ड्राई अभी उनका एब्डोमेन नजर आ रहा है। और ऑल्सो गाइस आप लोग उनके ऑब्लिक्स भी देखो कितने क्लियरली विजुअल हो रहे हैं। बट गाइस जो गाइस उनकी चेस्ट है उसमें आप लोग को फुलनेस उतनी देखने को नहीं मिलेगी जो कि गाइस एक अच्छी लगती है मेंस फिजिक एथलीट पर। बट गाइस अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर वो अपने चेस्ट में ही फुलनेस लेके आ जाते हैं तो डेफिनेटली गाइस वो इस साल मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर जाएंगे। सो लेट्स सी आखिर जो उनका पैकेज रहता है वो कैसा रहता है। एंड नाउ अब बात करने वाले आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अंकित बयान प्रिया के बारे में। तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में गाइस नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया था अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। एंड गाइस अंकित बयान प्रिया जीत गए हैं। एंड किस कैटेगरी में जीत सके हैं आप लोग को पता ही होगा, बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर। जी हाँ गाइस, एंड आप लोग को बताना चाहूंगा कि गाइस इस फिटनेस कैटेगरी के अंदर यानी कि बेस्ट फिटनेस क्रिएटर कैटेगरी के अंदर अपने जो यतेंद्र सिंह भाई हैं वो भी गाइस गए थे। बट गाइस उनको तो नहीं मिला, लेकिन गाइस अपने अंकित बयान प्रिया भाई को मिल गया है बेस्ट फिटनेस क्रिएटर अवार्ड। सो गाइस आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि इस कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट हुए थे ऑल्सो गाइस यतेंद्र सिंह भाई, जैसे आप सभी लोग उनको तो जानते होंगे, लेकिन गाइस अंकित बयान प्रिया जीत चुके हैं इस फिटनेस अवार्ड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंकित बयान प्रिया भाई, आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड नाउ गाइस अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिमांशु शर्मा भाई के बारे में। तो गाइस हिमांशु शर्मा भाई की साइड से उनकी जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक है वो गाइस उन्होंने कंप्लीट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि पिछले एक साल के अंदर गाइस उन्होंने क्या क्या इंप्रूवमेंट करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग को उनका जो साइज है वो गाइस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। नाउ सो गाइस जो उनकी स्किन क्वालिटी है वो भी गाइस अभी आप लोग को इंप्रूव्ड होती हुई नजर आएगी। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फुलनेस आप लोग को उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। बैक साइड से आप लोग देखोगे तो एक वाइल्ड बैक एंड गाइस विद आप लोग को थिकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी डेफिनेटली। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे जो उनकी बेस्ट है साइज़ के साथ साथ उन्होंने अपनी बेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। जो उनकी बेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नैरो दिख रही है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो उनका चेस्ट है उसमें भी आप लोग को फुलनेस अभी किस टाइम पे नज़र आएगी। हालांकि वो अपने कटिंग फेस पे नहीं गए, उसके बावजूद भी गाइस आप लोग देख सकते हो उनका जो एब्डोमेन है वो कितना ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर जब वो नियर बाय शो होंगे तो काफ़ी अमेजिंग पैकेज लेके आएंगे। वेल अब बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्रियोन एंसली के बारे में। तो ब्रियोन एंसली गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उर्स कैलेंसकी को उनके ऊपर रख के ब्रियोन की इंसल्ट करी जाती है, क्योंकि ब्रियोन एंसली आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस टाइम काफ़ी अच्छा पैकेज लेके आए थे एंड एक टाइम पे उनका क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर एरा रहा करता था शिवम से पहले। बट गाइज अभी इतनी अमेजिंग कंडीशनिंग एंड इतनी मसल क्वालिटी के साथ में वो स्टेज पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाइज एंड ऑल्सो गाइज ब्रियोन की जो मसल क्वालिटी है वो गाइज उर्स कैलेंसकी से काफ़ी गुना ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी उनको गाइज हमेशा नीचे रखा जाता है उर्स कैलेंसकी के। तो गाइज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं एंड क्या लगता है गाइज कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसे चलता रहा
तो ब्रियॉन एंसली क्लासिफिकेशन डिवीजन को छोड़ ही देंगे। क्या लगता है कमेंट करके बताना। एंड ना गाइस, अब बढ़ते हैं आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं माइकल क्रिज़ो के बारे में। तो माइकल क्रिज़ो की साइड से भी गाइस उनकी जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट है वो गाइस वो शेयर करते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि माइकल क्रिज़ो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैसे नज़र आ रहे हैं। साइज वाइज गाइस वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड कर चुके हैं। ऑल्सो गाइज आप लोग उनके चेस्ट की तरफ फोकस कर सकते हो, जिसमें कि आप लोग को और भी ज़्यादा फुलनेस नज़र आएगी। उनके जो शोल्डर हैं, जिसमें गाइज आप लोग को पहले राउंडनेस देखने को नहीं मिलती थी, एंड जो एक कैची साइज़ है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पे आप लोग को राउंडनेस भी विद केची शेप भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे माइकल क्रिज़ो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुए हैं। एंड इतने हैवी वेट के ऊपर भी जो उनका एब्डोमेन है वो भी गाइज आप लोग को विजिबल होगा। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर गाइज माइकल क्रिज़ो काफ़ी अमेजिंग एंड एक रिप्ड कंडीशन लेके आ सकते हैं। आप लोग क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। वेल गाइज आज की इस वीडियो तो सिर्फ इतनी अपडेट से। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑल।